अहंकार ना करूं। किस बात का अहंकार? साइंस आज बहुत तरक्की पे, पर रावण जितनी तरक्की अभी तक नहीं हुई। कहीं आप सोचो चरम सीमा पे। ऐसी तरक्कियां बहुत बार हो चुकी हैं समाज में, इस दुनिया में, इस धरती पे। रावण सफल क्लोन कहता था, उसके 3 या 5 ही बेटे थे, बाकी सारे तो क्लोन थे। 1 लाख बच्चे बनाए थे उसने क्लोन, और सफल इतना था कि उन क्लोनों के आगे 1.25 लाख बच्चे थे। इतना जबरदस्त था वो साइंटिस्ट। जब चाहता था बरसात, सूर्य की रोशनी के साथ साथ चंद्रमा की रोशनी से खाना बना लेता था, और एटम परमाणु तो उसके कंधे पे रहता था। आज है किसी के कंधे पे? हो किसी के तो सारी दुनिया खत्म कब की हुई होती। सोच के देखो, जिन देशों के पास है वो ही फूले नहीं समाते, दूसरों को पैर की जूती समझ रहे हैं। और सुनो और सोचो, अगर आदमी के कंधे पे लटक रहा होता तो आदमी क्या करता? मानता है कि नहीं छोड़ू, कर देता कबाड़ा। शुक्र है इतनी तरक्की नहीं हुई, पर रावण के पास ये था। रामायण को पढ़ो, उसमें आता है कि वो जब तीर छोड़ता था तो 12-12 कोस से भी ज्यादा आग लग जाती थी, और तीर तरकस से निकालता था। यूं सिद्ध किया हुआ था। पर राम जी के पास ऐसे तीर थे कि वो छोड़ते थे तो चारों तरफ बर्फ बन जाती थी। तो दोनों टकराते थे, वातावरण सामान्य रहता था। हमें लगता नहीं कि परमाणु एटम की अभी तक कोई तोड़ मिली होगी। हो सकता है मिल गई हो, लेकिन तब थी, सब कुछ था। देखिए कितनी जहाज वगैरह सब थे, उनको बात अलग है, उड़न कटोला या अलग अलग नाम दिए जाते थे, लेकिन सब कुछ था। कम्युनिकेशन तो जबरदस्त था उनका। ये लैपटॉप आपके और जो नेट है वो सब था तब भी। वो कहाँ से बैठे बैठे पल में दूसरों से बात करके सारी बात समझा देते थे। इतना रावण के पास तंत्र मंत्र सारा डंगा था विज्ञान का। तो इतने इतराओ ना, जब उसकी चरम सीमा से आगे विज्ञान गई तो सब कुछ खात्मा हो गया। तो भाई हम विज्ञान के विरुद्ध नहीं है, विज्ञान तरक्की करे, पर मानवता भलाई के लिए, सृष्टि के फायदे के लिए तो कोई डर नहीं। और जब खात्मे की तरफ तरक्की करेगी तो डर ही डर है।